नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सिमर को कॉल कर करके परेशान हुआ आरव, सिमर के लिए बेहद बेचैन दिखा आरव। जी हाँ, ये उस वक्त की घटना है जब सिमर घर छोड़कर चली जाती है। जब सिमर को घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उस वक्त वो काफ़ी परेशान होती है और दर दर भटकती नज़र आती है। इस दौरान इतने सारे गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और इस दौरान बड़े सिमर आरव को उसके विश्वास का वास्ता देती है, उसके शादी का वास्ता देती है और उसके पवित्र प्यार का वास्ता देती है और कहती है कि अपनी पत्नी सिमर को वापस ला, पता नहीं किस सिचुएशन में होगी। और ये सोचकर आरव निकल पड़ता है। आरव लगातार कॉल कर रहा होता है लेकिन कॉल पिक नहीं होता क्योंकि सिमर उस वक्त बहुत परेशान होती है, वो इधर उधर भटक रही होती है और पूरे वक्त उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही होती हैं जो बड़ी माँ ने उसे बोला, जो आरव ने उसे बोला, ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। किसी बीच गुंडे आ जाते हैं और उसे परेशान करते हैं, लेकिन इस दौरान आरव की बेचैनियाँ बखूबी देखने को मिलती हैं। आरव सबसे पहले सिमर को ढूंढते जाता है सिमर के घर, सिमर यानी कि नारायण फैमिली के घर, लेकिन नारायण फैमिली की तरफ में ताला बंद पड़ा है क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि जो सिमर है उसके फादर एडमिट हैं, उसके फादर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। तो यहाँ पर कोई भी नहीं था और घर पर ताला बंद था और उसने देखा कि यहाँ पर तो ताला बंद है तो अब सिमर कहाँ गई होगी। ये सोचकर काफ़ी बेचैन हो जाता है आरव और फिर निकल पड़ता है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। और फिर पत्नी को ढूंढने के लिए वो लगाता है कॉल, लेकिन कॉल नहीं उठती है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आरव कितना परेशान दिख रहा है। हालांकि फिर सिमर मिल जाती है और फिर गुंडों की धुनाई करके वो सिमर को वापस घर लेकर आता है। फिलहाल बहुत ही अच्छा बॉन्ड देखने को मिल रहा है सिमर और आरव के बीच, जो कि फैंस देखना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।